हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल बायोलॉजी ब्लूम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट अपने लेक्चर में 20 क्वेश्चंस तक कर लिए थे कंप्लीट, और आगे के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। और फ्रेंड्स, ये नीट के PYQ हैं, जैसा कि मैं PYQ की क्वेश्चंस ले रही हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो फ्रेंड्स, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस हैं जो नीट एंड अदर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर देते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, 21st क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ mRNA, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ mRNA प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ DNA। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए DNA का एक स्ट्रेच दिया हुआ है, कोई एक सेगमेंट है, ठीक है, और वो टेम्पलेट स्ट्रेन की तरह काम कर रहा है, 3 × 5 एंड उसके बाद कोडिंग स्ट्रेन दिया हुआ है, 5 × 3। तो देखते हैं क्या है। AT, सबसे पहले टेम्पलेट स्ट्रेन देख लेते हैं, GCAT, 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 G, ओके, एंड यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड है फ्रेंड्स, जो 5 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे ख़त्म हो रहा है, एंड TACGTACGTACGTAC। ओके फ्रेंड्स, आप लोग इस अच्छे से तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट होगा, देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैसेंजर RNA mRNA पे कौन सा सीक्वेंस प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि RNA में आपका जो बेस होगा फ्रेंड्स, वो यूरेसिल होगा, ठीक है, यूरेसिल होगा। और किसकी जगह यूरेसिल होता है, ठीक है, एडनीन एंड थाइमीन DNA के बेसिस होते हैं, बट जो यहाँ पे RNA में होता है फ्रेंड्स, वो थाइमीन के बजाय यहाँ पे आ जाता है यूरेसिल। तो यहाँ पे जो आपका बी वाला होगा UAC, ओके, यू एडनीन का थाइमीन नहीं होगा, थाइमीन के बजाय यूरेसिल होगा, एंड थाइमीन का एडनीन होगा, देन उसके बाद ग्वानिन का साइटोसिन है, फिर साइटोसिन का ग्वानिन है, देन थाइमिन का यहाँ पे यूरेसिल है, एंड ग्वानिन का साइटोसिन, साइटोसिन का ग्वानिन, एंड एडनिन का थाइमिन नहीं होगा, यूरेसिल होगा, एंड देन थाइमिन का एडनिन होगा यहाँ पे, फिर सॉरी यहाँ पे यूरेसिल होगा, देन उसके बाद जी एंड सी ग्वानिन का, फिर साइटोसिन, साइटोसिन का ग्वानिन, इस तरीके से करके फ्रेंड्स आगे कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच, यहाँ पे इनकरेक्ट मैच करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन RNA polymerase 2 एंड HNRNA, RNA polymerase 1, RRNA 5S, RRNA SNRNA, RNA polymerase 3, tRNA SNRNA, एंड डी ऑप्शन है आपके पास RNA polymerase 2 mRNA। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन मैच करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स के RNA पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। RNA पॉलीमरेज 1 जो है वो ट्रांसक्राइब्स करता है राइबोसोमल RNAs को, एंड RNA पॉलीमरेज 2 वो मैसेंजर RNA एंड HNRNA को ट्रांसक्राइब करता है। RNA पॉलीमरेज 3 ट्रांसफ़र RNA, 5S RRNA एंड SNRNA को ट्रांसक्राइब करता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इनकरेक्ट मैच बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, क्योंकि RNA पॉलीमरेज 1 फ्रेंड्स जो है वो ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल RNAs को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ, स्प्लाइसियोसोम्स वो सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, किसकी सेल्स में, ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी प्लांट्स। तो किसकी सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, स्प्लाइसियोसोम्स जो होते हैं वो इंट्रॉन्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, ओके, इंट्रॉन्स को रिमूवल में हेल्प करते हैं, और ये जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, और इसलिए जो प्रोसेसिंग होती है
किसकी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग जो होती है मैसेंजर आरएनए की स्प्लाइसिंग में ये रिक्वायर नहीं होते हैं, प्रोसेसिंग डज नॉट रिक्वायर स्प्लाइसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग आरएनए प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए, इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू थ्री एंड ऑफ एचएनआरएनए। ऑप्शन बी, आरएनए पॉलीमरेज वन ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए इन यूकेरियोट्स। ऑप्शन सी, इंटेलिंग एडेनाइलेट रेसिड्यूज आर एडेड एट थ्री एंड ऑफ एचएनआरएनए। एंड ऑप्शन डी, थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज़ कैटालाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएज़ इन मोस्ट बैक्टीरिया। तो चलिए ये एएमयू में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे करेक्ट पूछा भी है रिगार्डिंग द आरएनए प्रोसेसिंग। तो क्या है इन टेलिंग, यानी कि जब टेलिंग का प्रोसेस होता है एडेनाइलेट रेसिड्यूज वो थ्री एंड की तरफ ऐड होते हैं फ्रेंड्स ऑफ एचएनआरएनए के थ्री एंड की तरफ एडेनाइलेट रेसिड्यूज ऐड होते हैं टेलिंग के प्रोसेस में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 है, रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कहा जा रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज 3 का रिमूवल किस न्यूक्लियोप्लाज्म से अगर कर दिया जाए तो किसकी सिंथेसिस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं फ्रेंड्स, यूकेरियोट्स में क्या होता है फ्रेंड्स, 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो लोकेटेड होता है न्यूक्लियस में, एंड वो आरएनए राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्राइब करता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में लोकलाइज्ड रहता है, एंड वो क्या करता है कैसे यूज़ होता है, वो एचएनआरएनए के लिए यूज़ होता है, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। एंड जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो न्यूक्लियस में लोकलाइज्ड होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज 3 न्यूक्लियस में लोकलाइज्ड है। और ये क्या करता है, ये पॉसिबली जो है ऐसा कहा जाता है कि ये न्यूक्लियोलर और न्यूक्लियोप्लाज्म इंटरफेस जो होता है और उसमें काम आता है, एंड जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसके ट्रांसक्राइब करने के लिए काम आता है, 5SR आरएनए के लिए एंड SNRNA के लिए काम होता है, ट्रांसक्राइब करने के लिए काम आता है। तो इसलिए जो रिमूवल है आरएनए पॉलीमरेज 3 का वो किसको अफेक्ट करेगा फ्रेंड्स, वो ट्रांसफ़र आरएनए की सिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि अगर न्यूक्लियोप्लाज्म से आरएनए पॉलीमरेज 3 को हटा लें या रिमूव कर दें तो ट्रांसफ़र आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे पास विच ऑफ दी फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, तो चलिए यहाँ पे पूछा गया है किसके किस बारे में कि इनमें से कौन सा फीचर है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होता है, एंड ऑप्शन बी है हमारे पास जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगस, ऑन ऑप्शन सी इज जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट। ओके, एंड ऑप्शन डी है जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो जेनेटिक कोड जो है फ्रेंड्स वो क्या होता है, यूनिवर्सल है। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे वायरस बैक्टीरिया और कोई बड़ा सा ट्री हो या ह्यूमन बीइंग हो, कोई टाइगर हो, कोई लायन हो, कोई भी एनिमल हो, सब में क्या होगा, सबका जो एमिनो एसिड है वो सेम काइंड के कोडॉन से ही कोड किया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपका स्टॉप कोडॉन UAA, UAG, UGA है तो वो इन सब में सेम ही रहेगा, यूनिवर्सलिटी है। ठीक है, अगर आपका मिथियोनिन का जो कोडॉन है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एलानिन का जो है वो सेम ही रहेगा। तो कुछ भी एग्जांपल अगर आप लीजिए तो यूनिवर्सलिटी का यही मतलब हुआ। एंड फ्रेंड्स और क्या है, और देखिए यहाँ पे एक चेकर बोर्ड होता है जिससे आप कोडॉन्स का
जो होता है, जैसे कि आप लोग डीएनए, सॉरी जब मेंडल हम लोग पढ़ते हैं, मेंडलिज्म पढ़ते हैं, तो उसमें भी एक बोर्ड बनाते हैं, आप लोग जानते हैं ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस में, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, और फिर उसको क्रॉस को मैच करके फिर आप लोग गैमिट्स तैयार कर लेते हैं। गैमिट्स तैयार करने के बाद फिर आगे आप लोग तैयार कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस करा देते हैं। तो यहाँ पर भी एक चेकर बोर्ड होता है जिससे हम लोग कोडॉन की को निकाल सकते हैं कि कौन सा कोडॉन किस एमिनो एसिड के लिए होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो प्रॉपर्टी है ये ह्यूमन इंसुलिन को बनाने के लिए भी यूज़ की गई। और कैसे बनाया गया? बैक्टीरिया में यूज़ करके बनाया गया, ठीक है, बैक्टीरिया में यूज़ करके बनाया गया, और उसको ह्यूमलिन भी कहा गया। तो चलिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि जो जेनेटिक कोड है वो नियरली यूनिवर्सल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 27। इफ़ देयर आर 999, इट मीन्स 999 बेसिस इन एन आरएनए दैट कोड फॉर अ प्रोटीन विद 333 एमिनो एसिड्स एंड द बेस एट पोजिशन 901 इज डिलीटेड सच दैट, अगर बेस को डिलीट कर दिया जाए इस तरीके से, सच दैट द लेंथ ऑफ आरएनए बिकम्स 998 ओके बेसिस, हाउ मैनी कोडॉन्स विल बी अल्टर्ड। तो कितने कोडॉन्स अल्टर्ड होंगे इसमें? तो देखिए फ्रेंड्स, होगा क्या, वन कोडॉन जो होता है उसमें 3 बेसिस होते हैं, ठीक है। सपोज़ अगर हम इनिशिएशन का कोडॉन ले लेते हैं, AUG ले लेते हैं, ठीक है, तो कितने बेस हैं? A फॉर एडेनिन, U मान लीजिए यूरेसिल, ठीक है, और जी ग्वानिन, ओके। या किसी का अगर ट्रिपल यू है, ठीक है, किसी का AUU है, ठीक है, तो ये सब क्या शो करते हैं? ये बेसिस को शो करते हैं। तो अगर डिलीशन होगा, ठीक है, अगर 901 पोजीशन पे डिलीशन होगा तो 33 कोडॉन्स इफेक्ट होंगे फ्रेंड्स। कितने कोडॉन्स इफेक्ट हो जाएंगे? 33 कोडॉन्स इफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, 33। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टर कोडॉन, इसमें से कौन सा स्टार्टर कोडॉन है? आप लोग जानते ही हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पे देखिए, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस जब होती है तो वो टू इनिशिएटर कोडॉन्स होते हैं या स्टार्ट कोडॉन होते हैं, AUG मिथियोनिन कोडॉन होता है, और रेयरली, कभी कभी रेयरली देखिए है, ठीक है, GUG वेलिन कोडॉन होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा? CAUG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस देयर विल बी नो चेंज इन रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग मैसेंजर RNA, ठीक है, किस कंडीशन में मैसेंजर RNA के रीडिंग फ्रेम में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे? और कैसे हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 एंड है, AA, CAG, CGG, UGC, UA, UU एंड 3 एंड, ओके। ऑप्शन ए इज डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th, 8th एंड 9th पोजीशन, ऑप्शन बी इज इंसर्शन ऑफ G एट 5th पोजीशन, एंड ऑप्शन सी डिलीशन ऑफ G फ्रॉम 5th पोजीशन, एंड ऑप्शन डी इंसर्शन ऑफ ए एंड जी एट 4th एंड 5th पोजीशन रिस्पेक्टिवली। इंसर्शन तो आप समझ ही रहे हैं कि उसमें इंसर्ट करना, डालना, एंड डिलीशन क्या होगा, जो वहाँ से रिमूव कर दिया जाए या हटा दिया जाए। तो फ्रेंड्स, इंसर्शन या डिलीशन जो होता है, ठीक है, इंसर्शन या डिलीशन जो होता है, या फिर जो है जो इसका मल्टीपल बेसिस होता है वो अगर इंसर्ट करें या डिलीट करें वन या फिर मल्टीपल कोडॉन्स, तो क्या होता है फिर उसके बाद? मल्टीपल अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनके रीडिंग फ्रेम जो होगा वो क्या होगा? अनअल्टर्ड रहेगा, ठीक है। तो देखिए, सपोज़ मान लीजिए अगर आपके पास 2 कोडॉन्स हैं, ठीक है, सपोज़ आपके पास 2 कोडॉन्स हैं फ्रेंड्स, AA AAG है अगर आपके पास, और आपके पास AA, और आपके पास अगर यहाँ पर AAU है यहाँ पर आपके पास, लाइक इस तरीके से है, तो क्या होगा अगर इसमें से फर्स्ट एंड टू दो का अगर हम लोग इंसर्शन या डिलीशन भी कर दें तब भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये वो वही रहेगा। तो इसको आप लोग इस तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से आएगा, और ये जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे पास 29 का आंसर होगा वो होगा आंसर ए, डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th, 8th एंड
9th पोजीशन। तो आरएनए की रीडिंग फ्रेम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन एक्सेप्ट ऑप्शन ए एन ऑपरेटर, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑप्शन सी एन एनहांसर एंड ऑप्शन डी अ प्रमोटर। तो चलिए यहाँ पर जो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे सी। आंसर हमारे पास है सी एन एनहांसर, ये पार्ट नहीं होता है। ओके अब देखिए ओपेरॉन जो क्या होता है, वो ओपेरॉन कंसेप्ट है वो प्रोकैरियोट्स के लिए। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि एक ऑपरेटर जीन होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है एंड प्रमोटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक रेगुलेटर जीन भी होता है। तो स्ट्रक्चरल ऑपरेटर एंड रेगुलेटर जीन्स जो होते हैं ये यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बट यूकैरियोट्स में इन्हांसर जीन भी होते हैं, बट जो इन्हांसर जीन होता है वो सिर्फ यूकैरियोटिक जीन में ही एक्सप्रेशन करता है, यूकैरियोटिक जीन्स का ही एक्सप्रेशन करता है। ओके और ये क्या होता है, जो ये जो है जो चेंज करता है रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, स्ट्रक्चरल जीन्स के रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन्स के रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को ये चेंज कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एनहांसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आज का ये जो बाकी के क्वेश्चंस थे 10 questions वो हमने ले लिए हैं, और यहाँ पर ये हमारा जो नीट का PYQ है इस चैप्टर का वो एंड हो गया है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट PYQ लेकर के आएंगे, और आप लोग तब तक के लिए स्टडी करिएगा और प्लीज़ सेफ रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड सपोर्ट करिएगा, लर्निंग करते रहिएगा फ्रेंड्स, और बहुत बहुत अच्छे से रहिएगा। थैंक यू सो मच।